हाथरस सत्संग के पीड़ित परिवार से मिले विश्वनाथ पाल, शासन और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। उत्तर प्रदेश के हाथरस से तमाम ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिन तस्वीरों ने देश में तमाम लोगों को झंझोरने के लिए, सोचने समझने के लिए और कहीं ना कहीं अपने आप पर सवाल खड़े करने के लिए मजबूर कर दिया है। हम जिस भारत देश में रह रहे हैं, पाखंड और तमाम तरीके से अन्य धार्मिक चीजों को लेकर जिस तरीके से माहौल निर्माण किया जाता है और बेबुनियाद तौर पर जो जाने गवाई जाती है, इसके पीछे का जो सच है वो कहने का जानना समझना आवश्यक है। हाथरस में एक ऐसा मामला निकल कर आया है जिसको लेकर दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखने को मिली। बहुजन समाज से खास तौर पर लोग इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में मौजूद थे और जिस बड़े पैमाने पर जो आंकड़ा कहीं ना कहीं निकल कर आया है वो चौंका देने वाला है। हाथरस में फुलरई गांव में एक सत्संग का आयोजन किया गया था, जिस सत्संग में हरि नारायण साकार विश्व हरि भोले बाबा इनके जरिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और श्रद्धालुओं के जरिए इस बाबा के चरणों की धूल को लेने के लिए जो भीड़ है वो उमड़ पड़ती है, तो तकरीबन 121 लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि 121 लोगों की मौतें इस सत्संग में हुई है और ये सरकारी आंकड़ा भी बताया जा रहा है। पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि ये आंकड़ा इससे अधिक नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरीके से 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसके साथ साथ कई लोगों जो है वो भी घायल बताए जा रहे हैं। अब इस पूरे के पूरे मामले को लेकर पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम के मीडिया पर भी बवाल छिड़ा हुआ है। हाथरस में ये जो सत्संग का आयोजन किया गया था, शासन और प्रशासन का ये सबसे बड़ा निग्लिजेंस बताया जा रहा है, क्योंकि अगर इस कार्यक्रम का आयोजन, इस सत्संग की परमिशन शासन प्रशासन के जरिए दी गई है, तो क्या उतने सुरक्षित और पुख्ता इंतजाम किए गए थे, या फिर अगर किए गए थे तो इस तरीके की वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, 121 लोगों को आखिर अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी, ये तमाम बड़े सवाल है। इस पूरे के पूरे मामले पर बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ साथ जो पीड़ित परिवार है, इन पीड़ित परिवारों के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की है। यह तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, यह तस्वीर है शिव हरि भोले बाबा इनकी, जिनके माध्यम से इस सत्संग का आयोजन किया गया था और इन्होंने इस सत्संग में ये तमाम जो हजारों और लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ कर आई थी, उसके बाद एक ऐसी भगदड़ मची जिसके कारण 121 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और उसके बाद इस पूरे के पूरे मामले को लेकर तमाम तरीके से जो राजनीतिक पार्टियों के नेता है, इन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल, इन्होंने भी ये तमाम मुलाकात की है, जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस पूरे के पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए शासन और प्रशासन को लेकर विश्वनाथ पाल इन्होंने क्या कुछ कहा है, तमाम वीडियोस भी और वो बात भी आपको मैं साझा करूंगा। क्या इस मसले पर विश्वनाथ पाल देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी इस घटना से बहुत दुखी हैं और ये बहुत ही दुखी की घटना है कि जो देखिए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी इस घटना से बहुत दुखी हैं और ये बहुत ही दुखी की घटना है कि जो बड़ी संख्या में लोग प्रशासन से जो ये मालूम हो रहा है कि 123 है, लेकिन हम सुबह से ही नेटा कई गांव में गए, वहाँ मृतक परिवार हाथरस में घटना जहाँ विरंदा राव वहाँ गए, फिर उसके बाद वहाँ भी कई परिवारों के मृतक परिवारों घर गया, मैं मिल करके आया और अभी यहाँ पर मैंने देखा कि लगभग 3 हमारी बहनें इंस्पायर की हैं, माताएँ और एक बच्चा इंस्पायर किया है। जो लोगों को कहना है कि ये जो दिखाई जा रही संख्या तो इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन इसको प्रशासन के द्वारा छुपाया जा रहा है। तो मैं ये मांग करता हूँ शासन से कि इसकी सही जाँच हो, जो मृतक हों इसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और जो घायल हैं उनको भी आर्थिक मदद करके उनका सबसे इलाज कराया जाए। और सरकार से मेरी ये मांग है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए
क्योंकि बिना परमिशन के इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं होता है। अगर प्रशासन के लोगों ने परमिशन दिया था, देखा कि जितना परमिशन की भीड़ के लिए दिया गया, अगर उससे ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है तो उसी हिसाब से और समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर ये व्यवस्था नहीं हुई तो इस घटना होने का ये भी एक बड़ा कारण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह न्यायिक जांच की बात कही, क्या मानते हैं कि प्रशासन के इनकी लापरवाही कितनी है? अब लापरवाही के रहते वो प्रशासन में तैनात रहा तो क्या निष्पक्ष नहीं? निश्चित है कि मैं शासन से मांग करता हूँ, मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो और जो भी इसमें जो परमिशन दिए थे कार्यक्रम कराने के लिए और परमिशन के बाद ज़्यादा भीड़ होने के बाद फिर उस भीड़ के लिए समुचित व्यवस्था नहीं कराई गई, इसमें प्रशासन दुखी है। तो निश्चित है कि इस पे सख्त सख्त कार्रवाई चाहिए। जो भी दोषी नहीं, अगर 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 उनके रहते हुए इस तरह घटना हुई है, अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनको दंडित करना चाहिए। ये भी निकल के आ रहा है कि साजिश के तहत ये घटना हुई है। नहीं, अब साजिश हुई तो ये इसकी जांच का विषय है। साजिश किसने किया? बाबा के वकील के द्वारा जो है, जो कि इनकी बयान जारी, एपी सिंह ने कहा है, एपी सिंह ने आज बयान दिया है, वो मौके पे नहीं है, उनके द्वारा कहा गया है कि निश्चित ही एक साजिश है और कहीं कहीं लोगों के द्वारा बाबा के जाने के बाद एक साजिश की गई और वहाँ नहीं। अगर ये साजिश है तो जाँच का विषय यही है कि अगर साजिश है तो साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए और जो साजिश करता है उनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। कितने लोगों की डेथ हुई है इसमें? देखिए, अब इसमें जो दिखाया जा रहा है कोई 120 कहता है, कोई 123 कहता है, लेकिन जो मैं गाँव गाँव मृतक परिवार मिलने गया हूँ, जो वहाँ लोग थे, इनका कहना है कि संख्या और ज़्यादा है, लेकिन अभी तो जाँच का विषय है, पता लगेगा कि इसमें जाँच करना चाहिए ताकि उनको आर्थिक मदद मिल सके। ये बताइए, जैसे दलित समाज के लोग हैं, हाँ, पार्टी की तरफ से क्या मतलब कहा जा रहा है, क्या आर्थिक मदद उन्हें दी जाएगी? देखिए, हम लोग जो भी संभव है वो हम मदद कर रहे हैं, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, पूरी बहुजन समाज पार्टी खड़ी है हमारे यहाँ, आगरा मंडल के और इधर आपके अलीगढ़ मंडल के, चाहे हमारे गोरेलाल जाटो जी हैं, सूरज सिंह जी हैं, हेमंत जी हैं और इधर हमारे प्रताप सिंह बघेल एमएलसी साहब हैं जो हमारे प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़े थे, और यहाँ हमारे सभी जिलाध्यक्ष दोनों जन मंडलों के सभी लोग उपस्थित हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता आज से नहीं कई दिनों से लगे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, मृतक परिवार से मिल रहे हैं, जो भी सहायता हो पा रही सारे लोग मिल के कर रहे हैं। निश्चित है कि इस वक्त मैं सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि बड़ी घटना है, काफ़ी लोगों के साथ ये घटना हुई है और इस पे सरकार को पूरी तरह से इनको आर्थिक मदद, पीड़ित परिवार को और जो उस तरह के परिवार है, जैसे हमने देखा एक कभी मिल के आ रहे हैं, उनका बेटा भी चला गया, एक ही बेटा था, पत्नी भी चली गई, ऐसे परिवार के लोगों में नौकरी भी इनको मिलनी चाहिए जो उसके लायक हों, और इनको आर्थिक मदद ही अच्छी मदद होनी चाहिए। इस मदद जो दे रही सरकार, इससे उन लोगों का काम भी चलने वाला है। देखिए, ये जांच का विषय है, जब ये हो रहा साजिश भी हुई है तो मैं चाहता हूँ जांच हो कि क्लियर हो कि कौन सी साजिश है, कैसी साजिश है, और साजिश जो हो रही है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर आपने बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनको सुना, जिन्होंने शासन और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए है और साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर एक साजिश भी हुई है, षड्यंत्र किया गया है, ये भी कहीं नहीं अगर मसला निकल कर आ रहा है तो ये जांच का विषय है। समय के मुताबिक अगर इस पूरे के पूरे सत्संग में भीड़ अगर उमड़ कर आई तो उसका पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे और कहने की सुरक्षा बल को भी बढ़ाना चाहिए। अगर ये नहीं हो पाया है तो निश्चित रूप से न्यायिक जाँच होकर जो लोग आरोपी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो पीड़ित परिवार है, जिनके तमाम जो परिजन इस 121 लोगों में शामिल है या फिर इससे जो अधिक संख्या भी कहने के बताई जा रही है, जो विश्वनाथ पाल इनका ये दावा है कि ये जो संख्या कहने के बताई जा रही है, जिन लोगों ने इस सत्संग के भगदड़ के दौरान अपनी जान गंवाई है, इनका आंकड़ा इससे कई अधिक हो सकता है, तो उन तमाम लोगों को भी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से ये मामला समय के मुताबिक अब तुल पकड़ चुका है, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ये पूरे तरीके से दावा किया गया है और ये कहने की मांग भी है कि इस मामले को लेकर सही तरीके से पारदर्शिता के आधार पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। बहन मायावती ने भी इस मसले पर कहने की अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है और विश्वनाथ पाल के जरिए बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी तमाम पीड़ित परिवारों के परिजन से लगातार मुलाकात कर रहा है और हर संभव मदद करने की भी यहाँ पर बात कही जा रही है। अब इस पूरे के पूरे मसले पर जिस तरीके से जो 6 आरोपी वो कहने का हिरासत में लिए गए हैं और अभी भी जो भोले बाबा है जिनके जरिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो सत्संग जिनके माध्यम से किया गया था, वो भी
फरार बताया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कहने के इस मामले पर शासन और प्रशासन के जरिए पारदर्शिता के आधार पर कहने के कार्रवाई होती है या फिर समय के मुताबिक इस मसले को दबा दिया जाएगा। इस पूरे के पूरे वीडियो को लेकर, खबर को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।